गणपति की स्थापना के साथ ही गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है। इस बार INH 24/7 11 दिन 11 लाइव आरती के साथ गणपति उत्सव भी मना रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में हम अशोका रतन पहुंचे, जहां पूरी सोसाइटी ने मिलकर गणपति पूजा और आरती की। राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव की अलग अलग तस्वीरें आम जन तक पहुंचाने के लिए INH 24/7 ने खास पहल की है, जिसमें 11 सोसाइटियों की रोजाना 11 आरतियां लाइव दिखाई जा रही हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। गणेश स्थापना के दूसरे दिन हमारी टीम शंकर नगर के पास स्थित अशोका रतन सोसाइटी पहुंची। नमस्कार दर्शकों, मैं नीलम परथानी आपका स्वागत करती हूं INH न्यूज चैनल द्वारा हमारा प्रसारित स्पेशल कार्यक्रम में, जिसका नाम है 11 दिन 11 लाइव आरती, जिसके अंतर्गत हम आपको शहर के अलग अलग कोनों में बसी अलग अलग सोसाइटीज की गणपति जी की लाइव आरती प्रसारित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और इसी कड़ी में दूसरे दिन हम पहुंचे हैं अशोका रतन। अशोका रतन शहर की कुछ पुरानी सोसाइटीज, कुछ प्रचलित सोसाइटीज में से एक है, जहाँ बहुत ही जोरों से गणपति जी का स्वागत किया गया है। उत्साह माहौल है, बहुत ही प्यारा यहाँ पर पूरा सजावट की गई है। गणपति जी की प्रतिमा बहुत प्यारी है। पूरा का पूरा जो ये सजावट का कार्यक्रम है, वो सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर किया है। आप मेरे साथ बने रहिए। जहाँ अशोका रतन उत्सव समिति ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बच्चों से लेकर युवाओं सहित दंपतियों ने हिस्सा लिया, वहीं श्रद्धालुओं के लिए खाद्य पदार्थों के अलग अलग स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें लोग तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाते दिखे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत वहां पूजा और आरती के बाद सिंगिंग कंपटीशन वॉइस ऑफ अशोका रतन का आयोजन किया गया। मैं अशोका रतन में लास्ट 10 ईयर से रह रही हूं और हर साल गणेश उत्सव इतने ही अच्छे से मनाया जाता है। हर साल यहां पे 9 डेज यहां पे कुछ ना कुछ इवेंट रखते हैं। कभी सिंगिंग होता है, आज जैसे सिंगिंग है, कभी डांस है, बच्चों के लिए भी है। लाइक बहुत इंजॉय होता है, ये पूरे 9 डेज बहुत ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव। 2 साल कोविड के लिए यहाँ पर हुआ नहीं, पिछले साल से हो रहा है, बहुत अच्छा से हो रहा है। और क्या, यहाँ पर आदमी बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छा लगता हमको यहाँ पर। गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। हम लोग 10 दिन तक हमारे रोज प्रोग्राम होते हैं, एक दिन डांस इंडिया, फैशन शो, सारे ऐसे कंटिन्यू हम लोग के प्रोग्राम होते रहते हैं। हम लोग सारे अशोका रतन सोसाइटी के सारे मिलकर बहुत हलोसा से प्रोग्राम करते हैं और आनंद लेते हैं। आज हमारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी उत्सव से हम लोग हमेशा हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े उत्साह के साथ में हर्षोल्लास से गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आज के हमारी इस कार्यक्रम में टैलेंट वॉइस ऑफ टैलेंट ऑफ अशोका रत्न है। इसमें सब लोग अपने बहुत ही मधुर आवाज़ का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और मैं सभी लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। हम यही रहते हैं अशोका रतन में और बहुत मज़ा आ रहा है गणेश उत्सव में। 2 साल कोविड, 2 साल के बाद ये उत्सव हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 2 सालों तक सादगी से गणेश उत्सव मनाया गया था। न देखने वालों की भीड़ थी और न सुंदर पंडाल थे। इस बार कोरोना की बंदिश नहीं है तो शहर में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने को हुजूम उमड़ पड़ा है। इस साल पहले ही दिन से गणेश उत्सव समितियों सहित श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बहरहाल कदम कदम पर विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति का दरबार सजा है। सेवा और धार्मिक समितियां कई तरह का आयोजन कर रही हैं। बेहद सुंदर पंडाल और पंडाल में विराजे गणपति की शोभा देखते ही बन रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11 दिन हम शहर के अलग अलग कोनों से अलग अलग सोसाइटीज की लाइव आरती आपको दिखाएंगे, तो यहाँ अशोका रतन की आज लाइव आरती हम आपको दिखा चुके हैं और सारी सोसाइटी यहाँ एकत्रित है। बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ, भक्ति के साथ, खुशी के साथ आरती संपन्न हुई है। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग आप देख सकते हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगी प्रसाद ग्रहण करने और हमारे जो साथी हैं अविनाश, जो हमारे कैमरा मैन हैं आज के, वो मेरे साथ, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि 11 दिनों तक ये जो स्पेशल कार्यक्रम चलने वाला है, उसमें अगली सोसाइटी आपकी हो सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम INH की टीम आपकी सोसाइटी आए और आपके सोसाइटी की गणपति स्थापना का
लाइव प्रदर्शन अपने चैनल पर करें तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। सोशल मीडिया पेज है हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, उसमें जाइए। और इसके साथ ही बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं जिसमें सही जवाब देने पर आप विजेता हो सकते हैं और ढेर सारे इनाम भी पा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए INH न्यूज़ 24/7। We'll be right back.